रिंग रोड पर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर वाहन जो है इस समय एक जगह से दूसरी जगह जाने पर रिंग रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी तल चलते हुए सड़क हादसों की अगर बात करें तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि रिंग रोड पर सड़क हादसे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि आए दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई हादसा जो है वो रिंग रोड पर हो रहा है और उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि वाहन जो है वो तेज चलते हैं क्योंकि रोड खाली है। जिस तरह से ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि रिंग रोड खाली आपको नजर आता है, एक बड़ा ही खूबसूरत जो है सरकार की तरफ से ये रोड हम लोगों को दिया गया है। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली इसकी अभी तक ओपनिंग नहीं की गई है, यानी कि ऑफिशियली अभी तक ये रोड जो है वो ओपन नहीं किया गया, पर उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे सड़क हादसे इस समय यहाँ रिंग रोड पर हो रहे हैं। और उसी के चलते मैं आपको बता दूं कि गरोटा इलाके में भी एक रिंग रोड पर सड़क हादसा हुआ जिसमें एक महिला की जो है वो जान चली गई। जी हाँ, पहले भी मैं आपको कह रहा हूं कि लगातार रिंग रोड पर हम लोग देख रहे हैं कि सड़क हादसे जो हैं वो होते हैं और इतने खतरनाक भयानक सड़क हादसे हो जाते हैं कि कई सारे रिंग रोड पर जो लोगों की जो है वो जान चली गई है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना अगर वाहन गाड़ी का रिंग रोड पर चला रहे हैं तो ध्यानपूर्वक चलाइए, उसका थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि गरोटा में भी, गरोटा इलाके के गैंग इलाके में, गैंग में कल एक रिंग रोड पर भी जो है कल सुबह एक सड़क हादसा होता है जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक बाइक पर बताया जा रहा है कि पत्नी और पति जो है, पत्नी और पति दोनों जो है बाइक पर सवार थे और रिंग रोड पर जो है वो जा रहे थे और उसी बीच एक ट्रक जो है उनको हिट करता है जिसके बाद वो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और उस महिला की जो बाइक के पीछे बैठी थी उसकी जान चली जाती है। मैं आपको बता देता हूं कि ट्रक चालक को जो है वो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रक चालक का जो नंबर ट्रक का है वो JK02AQ2752, यानी कि 2757 उस ट्रक का नंबर था। और जिस महिला की जान चली गई उसका नाम वैष्णो देवी, वाइफ ऑफ गरदारी लाल, उम्र 64 वर्ष, यानी कि 64 वर्ष की महिला की जो है इस हादसे में जान चली गई और ये रहने वाली गुड़ा पतन बलवाल की थी, यानी कि बलवाल के ये रहने वाले थे, किसी काम से रिंग रोड पर जो है वो सवार थे और रिंग रोड पर जो है वो अपनी बाइक जो है उसके लिए किसी काम से जो है वो जा रहे थे और एक ट्रक जो है उन्हें हिट कर जाता है और उसके बाद बुरी तरह जख्मी जो है वो दोनों हो जाते हैं और उनके जो वैष्णो देवी हैं उनकी वहां पर जो है वो मौत हो जाती है और जो उनके पति गिरधारी लाल जो है उनको GMC में जो है वो रेफर किया गया, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। और एक बेहद दुखद हादसा जो है रिंग रोड पर, एक और रिंग रोड पर सड़क हादसा हुआ जो कि गरोटा एरिया का कैंग इलाका जो है वहां पर रिंग रोड पर हुआ। एक बार फिर से बता दूं कि पति पत्नी जो है वो बाइक पर सवार थे और एक ट्रक चालक जो है उन्हें हिट करता है जिसके बाद उस महिला की जो बाइक पर सवार थी वैष्णो देवी, जिसकी उम्र 64 वर्ष थी, उसकी जो है वो जान चली जाती है और उनके हस्बैंड गिरधारी लाल जो है वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं और उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो भर्ती कराया जाता है। और ट्रक चालक को पुलिस ने मामला जो है वो दायर कर लिया, ट्रक चालक को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। जो हमें तक अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये बताया गया था कि महिला की जो है वो जान चली गई और उनके पति गिरधारी लाल जो है वो बुरी तरह से इंजर्ड हुए और उन्हें GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनका जो है वो इलाज चल रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि एक बेहद दुखद हादसा जो है रिंग रोड पर एक और हुआ और यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप भी रिंग रोड पर किसी काम से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ध्यानपूर्वक इस रोड को इस्तेमाल करिए क्योंकि अभी पूरी तरह से रोड बना नहीं, कहीं पर काम जो है वो रोड का चल रहा है, ऑन स्पॉट भी आपको जो है वो गाड़ी को जो है वो रोकना पड़ सकता है, तो आपके वाहन की स्पीड इतनी हो कि आप अपनी गाड़ी को जो है वो रोक सके। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, नमस्कार।